वादी पार्टी की सरकार जब रही इस प्रदेश में 2012 से 17 तक, तो किसी से भी ये चीज छिपी नहीं है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में 5 साल के कार्यकाल में 300 से ज्यादा दंगे हुए। जी मैम, कल जो है हमारे यहाँ एक दुखद घटना हो गई है जिसमें एक हत्यारे ने जो है दो मासूम बच्चों की जो है गला रेत कर हत्या कर दी। क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर ये घटना बहुत ही दुखद है। जिस तरह से दो छोटे छोटे बच्चों का गला रेत करके हत्या करना और तीसरे बच्चे का बच करके वहां से भागने पे उसको भी वो भी चोटिल हुआ, ये घटना बहुत ही दुखद और निंदनीय अपराध है मैं तो कहूंगी। और इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी कि बदायूं का पुलिस प्रशासन जो एकदम चौकन्ना रहा और जैसी हमारी सरकार की सोच है उस सरकार की सोच के साथ ही उसने कार्य किया और अपराधी को मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस चौकी की चंद कदम की दूरी पर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, क्या दिशा निर्देश दिए आपने अधिकारियों को, किसकी लापरवाही से ये हुआ? देखिए, पुलिस चौकी से 10 कदम की दूरी पर जरूर था और पुलिस चौकन्नी थी तभी इतने कम समय में वो अपराधी को पकड़ भी पाई। किसी के घर में क्या हो रहा है ये किसी को पता नहीं होता है। अगर ऐसा कुछ पहले से पता होता तो शायद पुलिस वहां पर पहले से उपस्थित होती और वो घटना नहीं घटित होती। लेकिन किसी के मन में क्या चल रहा है, कोई किस उद्देश्य से किसी के घर में गया है, ये किसी को पता नहीं होता है। तो इसमें पुलिस भले ही 10 कदम की दूरी पर थी उसका कोई दोष नहीं है, दोषी को पुलिस ने सबक सिखाया है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि जब चुनाव का समय आया तो ये बीजेपी इस तरीके की घटनाएं को अंजाम देती है। समाजवादी पार्टी की सरकार जब रही इस प्रदेश में 2012 से 17 तक, तो किसी से भी ये चीज छिपी नहीं है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में 5 साल के कार्यकाल में 300 से ज्यादा दंगे हुए। मुजफ्फरनगर का दंगा सबको याद होगा, मथुरा का रामवृक्ष कांड सबको याद होगा और उसके सूत्रधार भी बदायूं के प्रत्याशी महोदय थे। और वो बदायूं में जब प्रथम आगमन पर आए प्रत्याशी बनकर के, तो उनका आप लोगों के एक इंटरव्यू में ये कहना कि मैं आया हूं सब ठीक हो जाएगा, शायद वो इसी भ्रम में थे कि आज भी बदायूं उनका गढ़ है। अब बदायूं बदल चुका है, बदायूं 2012 से 17 के बीच वाला नहीं है। अब बदायूं वो नहीं है जो उन्होंने 1998 और 99 के चुनाव में स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के चुनाव में संभल लोकसभा के दौरान जब बिसौली और गुन्नौर में 150-200 गाड़ियों के साथ में बूथ कैप्चरिंग करने का काम किया था, अब वो बदायूं नहीं है, बदायूं बदल चुका है। प्रदेश में योगी, देश में मोदी की सरकार है और इस देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई ने सबको बता दिया है गुंडे माफिया अपराधी की जगह कहाँ है। और वो जगह जहाँ है कल हमारे बदायूं की पुलिस प्रशासन ने भी अपराधी को दिखाने का कार्य कर दिया है।